फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी आप देख सकते हो मुझे, मैं हो गई हूँ एकदम पसीना पसीना क्योंकि मैं कर रही हूँ थोड़ा सा काम। मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। ये देखिए, मैं अभी चद्दर को मतलब चेंज कर रही थी तो इसलिए हो गया काम तमाम। सिर्फ चेंज नहीं है, इसको धोना भी पड़ता है। जो पिछला वाला चद्दर है उसको मैंने भिगो के आई हूँ, मैं उसको धो लूंगी और फिर इन सबको चेंज करूंगी। ये है पिलो कवर। तो चलिए कर लेते हैं काम, उसके बाद मिलते हैं। छोटा उमल दे ना। मैं ना आज आपको मेरा रूम का एक क्विक टूर दे दूंगी। मेरा रूम इतना सा है, छोटा सा, लेकिन फिर भी मैं कैसे उसको मैनेज करके रखती हूँ, मैं उसका एक छोटा सा टूर दे दूंगी आपको, देखना हाँ। एक्चुअली पहले ऐसा डेकोरेशन नहीं था, और कुछ था, वो भी आपको बताऊंगी। और अभी 2016 में हम लोगों ने कुछ इसमें चेंजेस किए हैं, तो वो सब मैं दिखाऊंगी। उससे पहले ना मैं एक एक झलक देख लूँ, इस वाले टेबल को थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, उसके बाद मैं दिखाऊंगी। क्योंकि ये जो एक है, ये टेबल, ये कंप्यूटर का टेबल, इसमें राहुल का चीज रहता है, तो कुछ भी अगर मैं रखती हूँ तो वो हाँ गुस्सा हो जाता है, मतलब वो काम करता है ना इधर। इसके लिए इसके ऊपर मैं कुछ रखती हूँ, फिर भी कप्स हैं, कुछ भी रखती हूँ तो गुस्सा हो जाता है। और ये है एक, तो इसके ऊपर भी मैं नहीं रख सकती क्योंकि चीकू का हाथ इधर तक पहुंच जाता है। और दूसरा है ये वाला स्टूल, इसमें तो आप सोच ही सकते हो, वो तो मतलब कुछ नहीं रख सकती मैं, नीचे कुछ नहीं रख सकती, अगर मैं रखूंगी तो सब कुछ वो गिरा देगा। ये जो हमारा कवर्ड है ना, ये वाला, इसमें चीकू के नैपकिन्स मैं रखती हूँ। पहले जो छोटे वाले पैंट होते हैं ना घर में पहनने वाले, वो भी रखती थी, लेकिन अभी नहीं रख सकती हूँ क्योंकि जितना बार मैं रखती हूँ उतना बार वो निकाल के फेंक देता है। इसके लिए मैं अभी इसको सेट मैंने कर दिया है। इसमें छोटा वाला पैंट, इसमें उसका नाइट सूट, इसमें जीन्स, इसमें फुल स्लीव्स, इसमें हाफ स्लीव्स बाहर पहनने वाले, ये भी हाफ स्लीव्स बाहर पहनने वाले, ये घर के ये सब मैंने अरेंज करके रखा है क्योंकि इधर तक उसका हाथ अभी तक पहुंचता नहीं है लकीली। और ये वाला जो टेबल है ये सबसे ऊंचा है, तो घर में कुछ भी आता है, कुछ भी, सब कुछ इसके ऊपर रख देती हूँ। इसके लिए थोड़ा सा मेस रहता है क्योंकि चीकू का हाथ नहीं पहुंचता ना, तो कुछ भी लेके आओ रूम में इसके ऊपर मैं रख देती हूँ। तो मैं क्विक इसको थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, फिर मैं आपको रूम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है मेरा रूम, छोटा सा रूम है। ये है हमारा बेड। ये जो बेड है ना, ये छोटा था, मतलब ये जो साइज आप देख रहे हो चीकू होने से पहले ये थोड़ा सा छोटा था, हमने उसको उधर से वो उस साइड से हमने उसको थोड़ा सा हमने लार्ज किया उधर से, क्योंकि और
ये है टेडी, ये है टेडी के कलेक्शंस, और भी है इधर इधर मतलब उधर और भी है, क्योंकि सारे ना अन्नप्राशन में चिकू के राइस सेरेमनी में सारे पड़े थे, तो मैंने कुछ को इधर सजा दिया है। ये देखो, और ये वाला जो टेडी है ये है, ये डॉली पिशी ने दिया था चिकू के बर्थडे पे, इस वाले बर्थडे पे। और मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये जो दो टेडी है ना, ये भी डॉली पिशी ने दिया था चीकू जब हुआ था तब। और ये वाला टेडी बहुत स्पेशल है, ये हम बहुत पुराना है, मतलब 10 साल पुराना टेडी है। ये मैंने दिया था राहुल को एक वैलेंटाइन डे में, साल मुझे याद नहीं है, एक वैलेंटाइन डे में मैंने उसको दिया था। ये हमारा छोटा सा टीवी एलजी का, पर ये जो टीवी है ना ये हमने खरीदा नहीं है, ये मुझे मिला था एज अ गिफ्ट दीदी नंबर वन में। मैं कभी आपको दीदी नंबर वन का जो स्टोरी है ना वो बताऊंगी। हाँ, ये टीवी मुझे मिला था दीदी नंबर वन में। और ये है चिकू का बॉटल, ये मेरा बॉटल, और ये दो है राहुल का। और ये है एक छोटा सा कबर्ड, दिखने में छोटा है लेकिन स्पेशियस है, अंदर से बहुत स्पेस है। ये देखो ये सब। और ये है एक कांच का कवर, ये वो होता है ना दीवार के साथ, वो वैसा वाला। ये नीचे हमारा कुछ सामान है, इधर राहुल का डेली वेयर, ये चिकू का, और ये पूरा जो रैक है ये चिकू को डेडिकेटेड है। ऐसो ऐसो की कच्छो मुख धुई नहीं ले। और इसमें है कुछ मतलब कॉस्मेटिक्स ये सब। और ये है राहुल के फोटोग्राफी के सारे प्राइजेस सर्टिफिकेट्स, ये उसको रिसेंटली मिला है, ये 2018 का ये है। और ना मेरे रूम में जगह नहीं है ना, इसलिए और भी जो कुछ है इसके पीछे मैंने डाल दिया है, क्योंकि अच्छे से रखने के लिए। और ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल। कुछ दिनों पहले तक इधर ये जो कबर्ड देख रहे हो आप, इधर ना एक कांच का मतलब था, कांच का टेबल था, बहुत सुंदर एक कांच का टेबल था। वो टेबल भी मुझे दीदी नंबर वन में मिला था, लेकिन क्या होता है ना रूम छोटा है ना, तो जितना ज़्यादा मतलब ऐसा कबर्ड होता है तो सारी चीज़ें आप अंदर रख दो और चाबी लगा दो तो स्पेस ज़्यादा मिलता है। इसके लिए हमने ये मंगवाया रिसेंटली, पर चीकू ने ना देखो इसको तोड़ दिया। ये एकदम 2-3 महीने का है लेकिन चिकू ने तोड़ दिया। और ये है मेरा, और ये साइड का रैक, और ये है राहुल का कंप्यूटर टेबल, और ये है उसके ऊपर का दो रैक। तो इसमें ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये राहुल का एक ट्रॉफी है, और ये है मेरा दीदी नंबर वन का ट्रॉफी। देखो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए। मैं एक्चुअली 2 बार गई थी, एक बार फर्स्ट टाइम जब मैं विनर हुई थी ना, ये उस वाला ट्रॉफी है, और जो सेकंड टाइम गई थी वो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी, वो वाला ट्रॉफी इधर नहीं है, मेरे पापा के घर पे है। ये हम लोग पूरी गए थे। ये देखो साउंड सिस्टम, इसका ये ड्राई बॉक्स कैमरा का, और हमारे घर में है हमारे बहुत सारे फोटोज। ये देखो, ये हम दोनों को ही बहुत अच्छे लगते हैं, इसीलिए बहुत छोटा सा रूम है लेकिन फोटोज से हमने भर दिए हैं। इधर भी है, और ये जो है ये एक बालकनी मतलब ये बॉक्स विंडो था पहले, तो हमने क्या किया इसको ना इधर से दिखाते हैं, इधर से एक स्लैब था, स्लैब ऐसा इधर से इधर तक एक स्लैब था, बॉक्स विंडो जैसा होता है, तो हमने इस वाले स्लैब को हटा दिया तो छोटा सा एक बालकनी टाइप का बन गया। हाँ बाबा, छोटा सा एक बालकनी टाइप का बन गया है घर के अंदर, तो अब इधर बैठ सकते हो, कुछ रख सकते हो, चिकू इधर खेलता है। तो देखा आप लोगों ने, ये है हमारा छोटा सा रूम,
इसको हमने अपने तरीके से सजाया है। पहले ना अरे सुना है बाबा छादे जाबी चलो चलो तो हो गया काम, मतलब धोना फिर उसको सुखा देना सब कुछ हो गया है। अभी टाइम हो रहा है देखो 11, अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। हमने ना एक रूल बनाया है कि रात में जितने बजे हम खा रहे हैं, अभी मतलब रूल ही है, कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों से हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं कि रात में जितने बजे हम खा रहे हैं ना, आइसक्रीम खाएंगे बाबा कॉर्नफ्लेक्स तुम खाबे चले जाते से खे जाओ देखिस। तो जितने बजे रात को हम खाना खा रहे हैं उससे मिनिमम 12 घंटे की गैप देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाता 12 घंटा। देखो 8 घंटे तो नींद में ही चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोशिश करते हैं 12 घंटा, क्योंकि रात में हम उन लोगों ने कल खाना खाया था 10 बजे, 10 बजे खाना खाया था, तो अभी हो रहा है 11। আসতে পারছে না ডাকো তুমি বল দাদা এসো ধরে ডাকো চলো ফ্রেন্ডস মেরা ও চিকু কা নাহলে হয়ে গেছে তো আমি হম লোক কোথায় যাচ্ছি হম লোক আমরা কোথায় যাচ্ছি বলো দিদি দেখতে बज रहे हैं शाम के 8। अभी मैं बनाऊंगी डिनर, तो डिनर का ही एक प्रॉब्लम है, हर रोज क्या बनाऊं वो समझ में नहीं आता है, हर रोज एग, हर रोज चिकन, वो बना नहीं सकती, खाना अच्छा भी नहीं है। तो एग हम हर रोज ही खाते हैं सुबह को दोपहर को, लेकिन रात में हर रोज अगर एग करी ही बनाऊं तो खा के फिर खराब हो जाता है ना मुँह, इसीलिए क्या बनाऊँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि ठीक है परवल की सब्जी बनाती हूँ, परवल मतलब पटोले सब्जी, आलू पटोले सब्जी वो मैं बनाती हूँ। मैं We'll be right back.
हो गया है। और चीकू का चावल ना मैंने बंद कर दिया था, फिर मैंने चेक किया तो वो थोड़ा थोड़ा सा मुझे शॉक तो लगा, तो इसके लिए मैंने उसको फिर से गैस में चढ़ा दिया है। और एक सीटी आने पर मैं उसको उतार के फिर उसका फैन जो है वो छान के उसको खिला दूंगी। और रोटी, हाँ रोटी को मैंने आटा गूंथ लिया है, मैं गरम गरम रोटी ही करती हूँ जब राहुल खाता है, तो इसके लिए मैं वो जब आएगा तब मैं रोटी बना के फिर दे दूंगी। तो आज के लिए काम बस ख़त्म हो गया है। नहीं, सबसे बड़ा काम है अभी चीकू को खिलाना। वो ज़्यादा मतलब नखरे नहीं करता है खाने के लिए, पर कभी कभी किसी किसी दिन थोड़ा सा करता है, तो आज शायद नहीं करेगा क्योंकि ठीक है गाइस, ये जो ब्लॉग है इसको मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। कल फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ, तो तब तक खुश रहिए एंड गुड नाइट।